जयपुर में जलसा मॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत 19 मई 2006 को आशीर्वाद ग्रुप इंडो क्रिस्टल तथा एक्सपोर्ट्स इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके की गई। रजिस्ट्रेशन के साथ 2007 में कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया गया, लेकिन 2008 में वैश्विक मंदी आने के कारण 2010 में स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद मॉल का काम रोक दिया गया। 2013 नवंबर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया और इससे पहले कि कस्टमर को पजेशन दे सके उससे पहले ही योजनाबद्ध तरीके से इनके मन में बेईमानी आ गई और फिर 21 फरवरी 2014 को नोटिस भेजकर एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। चार मुकदमे भी दर्ज हुए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद 2015 में समझौता हुआ और 2017 में इनोवेटिव के साथ मिलकर रजिस्ट्री की गई तथा मॉल के नक्शे में परिवर्तन कर दुकानों को छोटी व नई दुकानें बनाई गई। 150 करीब फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई जिसके खिलाफ आशीर्वाद ग्रुप में 1.3 करोड़ कार्रवाई की गई, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ रखने वाले सुधीर कुक्कर परिवार को गिरफ्तार करने में पुलिस आनाकानी करती रही। 2019 में कोर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य हो चुका था। हालांकि अब सुधीर कुक्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आम जनता का क्या कहना है ये देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट में। जानते हैं सभी निवेशकों को न्याय मिलने और अपराधियों को उनकी काले करतूतों की सजा मिलने पर जनता की क्या राय है। फ्रॉड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कई बड़े फ्रॉड होते हैं, कई छोटे फ्रॉड होते हैं, लेकिन 2005 में शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट जिसमें कई गरीब लोगों की आस भी जुड़ी हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। क्या वो फ्रॉड है, क्या पूरा मामला है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ आशीर्वाद ग्रुप के अनिल वाधवा जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। नमस्कार। आपसे सर पूरा मामला जानना चाहेंगे, जो जलसा मॉल के फ्रॉड के बारे में जो भी बातें हैं, क्योंकि बाजार में कई प्रकार की अफवाहें हैं, तो उन अफवाहों पर विराम लगाते हुए आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए जी, प्रोजेक्ट 2013 में कम्प्लीट हो गया था। जैसे ही इस पे रजिस्ट्री लोगों को कराने की बारी आई, जैसे ही हमने चाहा कि हम सबको पोजीशंस दे दें, सुधीर कुक्कर जी के पास एक कंपनी है इंडो क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड जिसमें हमारी भी पार्टनरशिप है, उन्होंने इलीगल रूप से हमें डायरेक्टरशिप से हटा दिया और बोर्ड रेजोल्यूशन बनाकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए हमारी एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करने का नोटिस दे दिया। अब लीगली तो ये कैंसिल नहीं हो सकती, पर एक नॉर्मल ग्राहक को, एक बाकी जो इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया कि एकदम से इनके पास कैंसिल है, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बस वो बड़े बड़े बैनर्स लगा के उसको बदनाम करने की कोशिश की और हमें वो रजिस्ट्रीज और पावर कब्जा देने का मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद इन्होंने बार बार इस तरीके की बात करी, कभी कुछ पैसे लेना, अगर हम नक्शा पास कराने जाते हैं तो उसके लिए पैसे देना, कभी ये रिको में चिट्ठी लिख देंगे कि मैं इसका मालिक हूँ, कभी इस पर कोई नक्शा किसी और के थ्रू ना पास किया जाए, मैं ही पास करवाऊँगा, सारी जो पत्र व्यवहार है मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। ये सारी बातें अभी हमें RTI के थ्रू पता लगी है कि इन्होंने कब कब किस किस तरीके से अड़चने पैदा की है, बजाय इसके कि ये हमारी मदद करते, जो इनका एग्रीमेंट है, तो मदद करने की जगह इन्होंने सिर्फ अड़चने पैदा की और सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरे मॉल पर कब्जा हो जाए, जितने लोग हैं धीरे 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 मर खत्म हो जाएंगे, एक जैसे भी जो उनकी नियत में बेईमानी है बस वही है, हम चाहते हैं इसको फटाफट कंप्लीट करें और लोगों को हैंड ओवर करें। सर आप इसको लेके आप प्रशासन के पास भी गए शिकायत लेके, प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? मैंने बीच बीच में तकरीबन 2020 में, 21 में, फिर 22 में कई सारी FIRs दर्ज कराई, उन सारी FIRs पे मैक्सिमम पे FIR लग गई। 2022 में जो मैंने FIR फरवरी में दर्ज कराई थी जिसका नंबर है 36/22, उस FIR पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, ना इनको अरेस्ट किया गया है, ना किसी से पूछताछ की गई है। उसके जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी 4-5 हैं, वो सब खुले घूम रहे हैं, कोई उनसे पूछताछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। और सर एक बात इसमें ये भी निकल के सामने आ रही है, जैसे कुछ देर पहले आपने भी बताया था कि गरीबों का भी इसमें पैसा लगा, वो क्या एंगल है सर? देखिए इसमें जब हमने लॉन्च किया था, ये अपने तरीके का एक यूनिक पूरा प्रोजेक्ट है जो आज तक अप टू डेट लेटेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक जयपुर में नहीं है। हमारा जो विजन था वो 20 साल आगे का था, भले इसमें डिले हो गया लेकिन आज भी ये प्रोजेक्ट उतना ही नया उतना ही है। तो इसमें हमारे को सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, कई ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके पास लिमिटेड पैसे थे, कुछ लोगों ने फाइनेंस करके पैसे लिए हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी की बेटी की शादी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है,
तो अब वो बेचारे सब इसमें स्टक हो गए ना, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे। उनको अगर उसको बेचना भी चाहें तो कोई ख़रीदार ही नहीं मिलता, क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी में हल्का सा भी डिस्प्यूट हो तो कोई ख़रीदारी नहीं करता, जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है, एस्केलेटर्स लग गए, लिफ्ट लग चुकी है, हमारा बिजली चल रही है, सब चीज़ चल रही है, हम उसे दे ही नहीं पा रहे किसी को। तो आपने सुना कि वाधवा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो जलसा जो प्रोजेक्ट इनका था, जो 2005 में जिसकी नींव रखी गई थी, आज भी वो कानूनी अड़चनों के कारण और सुधीर मक्कड़ जिसका ये नाम ले रहे हैं उसकी जालसाजी के कारण वो प्रोजेक्ट आज भी अटका हुआ है, और ये प्रशासन से सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो है न्याय। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।